अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube पर द करण नाज शो। मैं हूं करण नाज, शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगाज़ में एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन जो हर वीडियो पर मैं देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जब जब मैं ये बात कर सकूँ तब तब मैं बात कर लूँ। मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट यूट्यूब पर बड़ा बेहतरीन इस वक्त काम कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं अपने यूट्यूब पर कोई कॉन्टेंट जनरेट कर रही हूँ तो या तो वो थोड़ा सा यूनिक हो या बड़ा क्वालिटी काम हो या फिर ना हो। अगर हो तो कुछ ऐसा कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, वरना बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे सीनियर लोग, वो चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे सोशल इश्यूज़ हो, अवामी मसाइल हो, उन सब पर बहुत बेहतरीन बड़ा अच्छा काम करें जिससे आप लोगों की वो जो एक जानने की नीड होती है वो पूरी हो रही होती है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर खामोश रहती हूँ, लेकिन कुछ इशूज़ ऐसे होते हैं कि जिस पर तबीयत बेचैन हो जाती है कि इस पर आके बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेरे व्यूज़ से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ़ भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी एक सोच रखती हूँ और मुझे लगता है कि वो एक ऐसी सोच है जो जो मेरे पाकिस्तानी हैं उन तक वो ज़रूर मुंतकिल होनी चाहिए, उन तक वो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। हमें अपने कल्चर का, हमें अपने इकदार का, हमें अपने माशरे का पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा सेंसेशन बनी हुई है आयशा के हवाले से, जिसने मेरा दिल ये पुकारे आजा पर कुछ इस किस्म के चुमके लगाए हैं, ऐसा रक्स पेश किया है कि जिसकी बदौलत पहले वो सोशल मीडिया की हीरोइन बन गई और सोशल मीडिया की हीरोइन बनने के बाद उसको एक मॉर्निंग शो ने बुला लिया और मॉर्निंग शो के बाद तमाम लोग जो है वो हत्तुल इम्कान, जिसकी जितनी क्या कहते हैं, जिसकी जितनी उसको स्पेस मिल रही है वो वहाँ पर उस स्पेस से फ़ायदा उठाते हुए अपने एक गम और गुस्से का इजहार कर रहा है। ये इजहार कर रहा है कि जी पाकिस्तान में क्या चीज़ प्रोमोट होनी चाहिए और हम क्या चीज़ प्रोमोट कर रहे हैं। तो मेरी जो है ना वो इस पर तबीयत बड़ी बेचैन हो गई थी, मैं चाह रही थी इस पर बात करना, आप लोगों से अपने दिल का हाल शेयर करना, तो इस वजह से आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने आई हूँ। मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वक्त चेंज हो चुका है, पहले 7 बजे का स्लॉट करती थी तो उसमें मेरे पास इतना मार्जिन होता था कि मैं कोई ना कोई सोशल इशू लेकर उस पर ज़रूर बात कर लेती थी, लेकिन अब क्योंकि मैं 10 बजे का स्लॉट कर रही हूँ और उसमें पॉलिटिकल चीज़ें इस हद तक मैच्योर होती हैं और इतनी ज़्यादा वो पॉलिटिकल गुफ्तगू हो रही होती है और इस वक्त जो हमारा एक पोलराइजेशन और जो सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें आप किसी सोशल इशू पर इतनी टीवी पर बात कर नहीं सकते हैं। और कोई ऐसा इशू जो कि मुझे लगता है कि जिस पर बात करनी ही नहीं चाहिए, उस पर जब बहुत ज़्यादा बात हो रही हो तो फिर उसके काउंटर नैरेटिव के लिए ज़रूर बात करने आना पड़ता है। इस पर हो क्या रहा है, आयशा यूट्यूब पर, माफ़ कीजिएगा, टिकटॉक पर वायरल हुई और वायरल होने के बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने उनको अप्रोच करना शुरू किया, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने उनको अप्रोच करना शुरू किया और फिर उसके बाद निदा यासर ने उन्हें अप्रोच किया, निदा यासर की टीम ने ऑब्वियसली, फिर वो आई मॉर्निंग शो में और फिर उस मॉर्निंग शो को लेकर तनकीद शुरू हो गई है और उस पर बड़ी बातें हो रही हैं कि जी निदा यासर ने माशाल्लाह कह दिया। भाई मेरी वीडियोज़ उठा के देखें, दसियों वीडियोज़ आपको मिलेंगी जिसमें क्रिटिसिज्म के तौर पर भी मैंने माशाल्लाह कहा हुआ है कि माशाल्लाह ऐसे ऐसे ऐसे। और कुछ लोगों की एक आदत होती है, तो सबसे पहले तो ये कि मैं निदा की पोजीशन को यहाँ जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन कोई भी इंसान हो और वो आपको दिखता है कि शख्स को बोलने की, क्योंकि मैं निदा को पर्सनली भी जानती हूँ, तो किसी की आदत होती है, आप किसी के अच्छे काम पर माशाल्लाह कहते हैं, आपके नहीं जहन में रहा उस वक्त के जी वो नाच गाने के हवाले से वो बात करें, तो उसके ऊपर इतनी शदीद तनकीद हो रही है कि जी माशाल्लाह कह दिया, माशाल्लाह कह दिया। चलें इस बात से हटकर ज़रा हम इस बात का अहाता करते हैं कि ये हुआ क्या है। ये पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मेरा दिल ये पुकारे आजा का एक डांस आता है, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर भरपूर वायरल होता है और फिर उसके बाद वो जबान ज़दे आम होता है, आप रास्ते में से गुजर रहे हो कहीं पर तो आपको लोगों की गाड़ियों में वो गाना सुनते हुए दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो कि उस गाने के ऊपर सेम टू सेम परफॉर्म कर रहे हैं और जी बाकायदा खबरें भी चल रही हैं कि जी इसने इसका चैलेंज कबूल कर लिया, इसने इसका चैलेंज कबूल कर लिया, जी वो डांस एक्सपर्ट माधुरी दीक्षित उन्होंने भी आयशा का चैलेंज कबूल कर लिया। मसला ये है कि हम देखना चाहते क्या हैं, आप मुंह उठाकर मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर, मॉर्निंग शोज़ के ऊपर तो तनकीद कर देते हैं कि जी निदा यासर ने बुला लिया, हमारी प्रायोरिटी है। भाई हम सबसे पहले अपने आप को देखें कि हमारी अपनी प्रायोरिटी क्या है, हम तो चीज़ ही वही वायरल करते हैं, इसी किस्म का तो कंटेंट वायरल करते हैं। क्या ये मूना आयशा ये कोई पहली लड़की है जिसको हमने वायरल किया है या जिसको हम देखना चाहते हैं या जिसको हम भले से उस पर तनकीद करें या तारीफ करें लेकिन बात तो हम उसी की कर रहे हैं, ये पहली बार तो नहीं हुआ। हरीम शाह,
हमारे सामने मौजूद हैं, बुजुर्ग नैन और कुछ इस किस्म के लोग जो कंटेंट जनरेट करते हैं वो लोग हमारे सामने मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की ऊंची हरकतें कर रहे हों, डांस कर रहे हों, नाच गाने कर रहे हों, कंटेंट के नाम पे वो हम मशहूर करते हैं, वो हम पसंद करते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई मॉर्निंग शो उनको बुला लेता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि जी देखें ये हमारी प्रायोरिटी है, हमारी अपनी प्रायोरिटी क्या है। अब ज़रा मैं मीडिया इंडस्ट्री मॉर्निंग शोज़ के हवाले से बात कर लेती हूँ, जो ये इदारे हैं सहाफ़त इदारे इन पर मैं बात कर लेती हूँ। देखें ये कमर्शियल इंडस्ट्री है, इस बात को अपने जहन में रखें, ये कमर्शियल इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर हजारों लोग काम करते हैं, हजारों पेट जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप देखने वाले, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी कंपनी में काम करता है, कोई किसी डॉक्टर के पास काम करता है, कोई खुद डॉक्टर है, उन सबको वहां से सैलरीज मिल रही है क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है। जब बिजनेस चलता है तो बिजनेस की जो इनकम आती है वो कंपनी को फायदा होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पे करती है। तो उसके लिए हर जो कंपनी होती है उसका मैकेनिज्म होता है कि आपने किस तरह से जनरेट करना है रेवेन्यू। मीडिया इंडस्ट्री का रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होता है, जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं वो चीज़ें जब आपके पास पहुंचती हैं, जब आप उसे देखते हैं, रेटिंग मीटर्स आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल्स मिलते हैं, उनसे सैलरीज बनती हैं, कंपनी को फ़ायदा होता है, और कंपनी के फ़ायदे के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरीज दी जाती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से किसी आम कंपनी में होता है, किसी कपड़े की फैक्ट्री में होता है, किसी टूथपेस्ट की फैक्ट्री में होता है, कि अगर कोई कपड़ा आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उस कपड़े को खरीदना ही नहीं चाह रहे, तो कंपनी का दिमाग ख़राब नहीं है कि वो कंपनी कपड़ा बनाती ही रहेगी। वो कंपनी पहले उसकी कॉस्ट कम करेगी, उस कपड़े को कम करेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसको बनाना छोड़ देगी, वो कपड़ा बनाया जाएगा जो आप खरीदते हैं, जो आपको पसंद आता है। इसी तरीके से मीडिया इंडस्ट्री में भी है, इसी तरह से मॉर्निंग शोज में भी है। जो कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा, जो कंटेंट आप देखना नहीं चाह रहे, उसको आहिस्ता आहिस्ता मीडिया इंडस्ट्री निकालना चाहती है। बहुत सारे लोग हमारे जैसे, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कंटेंट जनरेट करते हैं, अगर हम ऐसा कोई कंटेंट बनाते हैं, तो क्या हमारी आवाम उसे बाय करेगी? नहीं करते आप लोग, नहीं करते आप। तो वो कौम है, माफ़ कीजिएगा कहना पड़ता है मुझे, कि हमने जब एक कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीज़ चलती है तो हम तो उसको इस तरह से मजाक उड़ाते हैं कि जी पीटीवी पर सुंडियाँ दिखाई जा रही हैं, पीटीवी पर ये दिखाया जा रहा है, पीटीवी पर वो दिखाया जा रहा है। एक वक्त था कि जब हमारे पास भी इल्मी गुफ्तगू हुआ करती थी, इल्मी काम हुआ करते थे। सेकेंडली ये कि अब जो मैंने आपसे बात की कि आप लोग जो कपड़ा पसंद नहीं करेंगे तो वो कंपनी बनाना बंद कर देगी या उसको कम कर देगी। अब होता क्या है, आप किसी भी चैनल का इस हफ्ते का मैं आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ, इस हफ्ते का आप ARY का मॉर्निंग शो उठाइए, इस हफ्ते का आप समा का मॉर्निंग शो उठाइए, इस हफ्ते का आप जियो का मॉर्निंग शो उठाइए, किसी भी चैनल का आप मॉर्निंग शो उठाइए, उसके अंदर आपको कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी मिलेगी। उनके सोशल मीडिया पेजेस पर जाइए, वहां पर आपको सक्सेस स्टोरी मिलेगी। यहाँ पर किसी ने कोई मेडल जीता हुआ होगा वो मौजूद होगा, किसी ने एजुकेशन में बहुत अच्छा कुछ किया होगा वो होगा, लेकिन वहां पर जाकर आप जरा व्यूज चेक कीजिएगा, कितने लोगों ने उसको देखा होगा, कितने लोगों ने उसको बाय किया होगा, या जाके अगर किसी की इतनी एक्सेस है तो वो जाके जरा मीडिया चैनल से मालूम कर ले कि उस दिन के मॉर्निंग शो की रेटिंग क्या आई है। हर चैनल, मैं बड़ी आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रही हूँ, तमाम चैनल सक्सेस स्टोरी को अप्रोच करते हैं, बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं और फिर उसके बाद उनको इंटरव्यू करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। हम सुनना क्या चाहते हैं, हम आयशा के ठुमके देखते हैं मॉर्निंग शो में और फिर उसके बाद अगले दिन उस पर तनकीद करते हैं कि ये देखें जी ये आवाम को दिखाया जा रहा है। पहली बात तो ये कि जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, क्योंकि आप लोग तनकीद निदा के शो पे कर रहे हैं तो मैं एंटरटेनमेंट चैनल की बात कर लेती हूँ, एंटरटेनमेंट चैनल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं बैठे हुए। तो जो एंटरटेनमेंट आप बाय करेंगे वही आपको बेची जाएगी, वही आपको दिखाई जाएगी। आप लोग देखना शुरू कर दें सक्सेस स्टोरीज को, आप देखना शुरू कर दें, देखें आप पूरे पाकिस्तान में तमाम मॉर्निंग शो में रोजाना की बुनियाद पर वही सक्सेस स्टोरीज बैठी होंगी और वही सक्सेस स्टोरीज जो है ना वो जगह जगह वायरल हो रही होंगी। लेकिन नहीं, हम ये नहीं करते। अभी कोई छिचोरापन आ जाएगा किसी भी चैनल के ऊपर, उसको हम बैठा हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग उसे वायरल करते हैं, आप लोग उसे देखना पसंद करते हैं। अब हुआ क्या है कि आयशा के डांस के बाद एक और डांस मार्केट में आया है, एक बाप और एक बेटी जो है वो दोनों मिलकर आपस में नाच रहे हैं और वो चीज़ वायरल हो रही है, उसको बड़ी खुशी से देखा जा रहा है। तो ये हमारा कल्चर, ये हमारा इकदार नहीं है, ये हमारी सकाफत नहीं है, लेकिन मजबूरी है हमारी कि हम पसंद ही ये चीज़ें करते हैं। हमारा जो अप्रोच है वो यहीं तक है, हम किसी की छिछोरी हरकत को पसंद करते हैं, हम किसी को नाचते गाते देखकर पसंद करते हैं, हम ये चीज़ पसंद नहीं करते कि किसी ने 19-19 मेडल्स जीत लिया। हमें पता ही नहीं है, क्या आप लोगों को पता है कि वो कौन लड़की है जिसने 19 मेडल्स जीते हैं, क्यों जीते हैं? नहीं पता, क्योंकि आप खुद भी जानना नहीं चाहते।
लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमने सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है, हमने वही चीज़ जो हम देखना चाहते हैं हमने उसे देखना भी है और उसके बाद हमने उस पर तनकीद भी करनी है। आप लोग काउंटर करना शुरू करें, आप ना देखें इस किस्म के नाच गाने, आप ना देखें इस किस्म के छुजोरपन, और फिर उसके बाद आप बिल्कुल हक बजाने बोलेंगे कि कोई चीज़ बिल्कुल ही वो मिट्टी में पड़ी हुई है, उसका पता ही नहीं है, लेकिन वो मीडिया चैनल्स जो है ना वो मॉर्निंग शोज में अपने उठा के लेकर आ गए क्योंकि जी आप लोगों को दिखाने के लिए। नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसी पाकिस्तान में जब टिकटॉक बंद हो रहा था, जब मैंने भी उस पर जो है ना बड़ा एतराज़ किया था कि ये बंद ही हो जाना चाहिए, ये हमारे कल्चर को हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी छोटी सी बेटी है वो वीडियोस देखती है, अभी स्क्रॉल करती है और फिर उसको भी ख्वाहिश होती है मैंने भी ऐसी वीडियो बनानी है। तो ये हमारे बच्चों के अंदर ना पेनिट्रेट हो रही हैं चीज़ें, इनको हमने रोकना है। फिर जब मैंने इसके ऊपर बात की थी कि बंद होना चाहिए, मैंने इसके ऊपर सीरीज ऑफ शोज किए थे तो मेरे पीछे लग गए थे लोग कि ये किस किस्म की खातून है, अगर लोगों के पास एक एंटरटेनमेंट की यही चीज़ है उसको भी बंद करवाने की कोशिश कर रही हैं। पबजी के हवाले से बात की थी तो तब भी मेरे लोग पीछे पड़ गए थे। तो जब तक आप लोग जो गंद देखना चाहेंगे तो आपको वो गंद मजबूरी है दिखाया जाएगा। यकीन कीजिए जिस हद तक हम जो गंद गलाजत देखने में पाकिस्तान जहाँ पर नंबर वन आता है ना, अगर यहाँ पर पैमरा के कदगन वगैरह ना होते तो हो सकता था कि शायद कुछ टीवी चैनल्स पे आपको उस तरह की चीज़ें भी दिखाई जा रही होती। क्यों? क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं, जो चीज़ आप खरीदेंगे वो आपको मिलेगी। जब इंसान जो चीज़ चाह रहा होता है उसको वो मिलता है। तो हमने अपने आप से शुरू करना है, हमने रोकना है, ना देखें आप इस तरह की चीज़ें। अभी मुझे पता चला, मैं पढ़ रही थी देख रही थी तो आयशा के वालिद साहब के हवाले से कि उनको कुछ लोगों ने कॉल किया, अप्रोच किया, क्योंकि आयशा अभी भी जितनी भी इस तरह की वीडियोस बना लें, जितनी भी तनकीद कर लें, लेकिन क्योंकि आप लोग खुद जानना चाह रहे हैं, आप गूगल करें तो आपको टॉप पे उसका नाम मिलता है, आपको टॉप पे उसकी वीडियो मिलती है क्योंकि आप उसको देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो अब वो भी जो आयशा की फैमिली है वो भी इस जो एक शॉर्ट टर्म ये फेम है उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। वो अपने एक इंटरव्यू के अगर कोई उनको अप्रोच कर रहा है तो वो उनसे 10 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं या 10 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू का 10 लाख रुपए। क्या किया आयशा ने? ऐसा चार ठुमके लगाया, मतलब के मॉर्निंग शो में जो बात हो रही थी, जो जिस बात पे मुझे एतराज़ है कि जी वो इतना डिसेंट उसने डांस किया था, कम से कम वो ऐसा डांस तो नहीं था कि फैमिली में बहुत सारे लोग बैठे हों तो हम तो नहीं देख सकते, बैठे हैं किसी के सामने तो नहीं देख सकते। शर्मिंदगी होती है कि बच्ची किस तरह से अपने जिस्म को लटका कर, लचका कर और हिला कर, मटका कर, क्या क्या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन मॉर्निंग शो में ये बात हो रही थी कि जी उसने तो इतना डिसेंट डांस किया था, इतना अच्छा डांस किया था। तो हमारी प्रायोरिटी अगर डांस है तो भाई आपको फिर डांस ही मिलेगा। तो फिर आप टिकटॉक पर भरें और फिर आपको आज मूना मिली है, कल कोई और मिलेगा, इससे पहले आपको हरीन मिली थी, हरीन शाह साहिबा मिली थी, और भी बहुत सारे लोग थे जो मुतवातर हमें मिलते रहते हैं। तो अगर हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं तो हमें यही सब कुछ खरीदना पड़ेगा जो हम खरीदना चाहते हैं, और अगर नहीं तो फिर खुद काउंटर करना शुरू करें, खुद रोकना शुरू करें, अपने आप से आगाज़ करें, अपने गिरेबान से आगाज़ करें, तो इंशाल्लाह फिर आपको मीडिया चैनल्स पर भी वो दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप गंद देखना चाहते हैं तो आपको गंद मिलता रहेगा, फिर आप तनकीद भी करते रहें बैठ कर। अपने बच्चों को रोकें, अपने बच्चों को समझाएं। मैं दुआ करती हूँ उस वालिद के लिए भी, खैर वो उनको अल्लाह ताला दे रहा है, किसी भी तरीके से दे, अल्लाह ताला उनको दे रहा है, उनकी बेटी के ज़रिए, वो डांस के ज़रिए ही मिल रहा हो, लेकिन ये कोई बहुत बहुत अच्छा अमल नहीं है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। और अगर अप्रिशिएट हमने करना भी है तो हम उन लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करें जो वाकईतन अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो बच्चियाँ, वो बच्चे जो कहीं अपने एग्ज़ाम्स में सेकंड पोजीशन पूरे पाकिस्तान में हासिल कर रहे हैं, जो 19-19 मेडल्स हासिल कर रहे हैं, जिन्होंने बग़ैर वालिद के होते हुए अपनी स्टडीज़ इतनी अच्छी की, इतनी बेहतरीन की कि आज वो किसी मकाम पर हैं, लेकिन हम उनको वो मकाम नहीं दे पा रहे क्योंकि उन्होंने कोई ठुमका नहीं लगाया, कोई अपना जिस्म नहीं लचकाया, या उन्होंने आपको कुछ इस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं दिया जिससे आप मज़े भी लें और फिर उसके बाद में उस पर तनकीद भी करें। तो अगर मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई है, मेरी वीडियो के नीचे तनकीद करने के बजाय अगर कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ इस पर सोचिएगा ज़रूर, और ना सोच सकें तो बस फिर ख़रीदते रहें जो आप ख़रीदना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।